हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखें एसएससी रीजनिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीके वाले क्वेश्चन है जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में बहुत सी बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आइए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से सीखें। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, एक बैग में एक रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 560 सिक्के रखे हैं जिनका अनुपात 14:9:5 है, और ये 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे ये आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें क्या है, एक रुपए वाले हैं है ना, 50 पैसे वाले हैं और 25 पैसे वाले हैं, ठीक है। और सिक्के कितने हैं, देखिए इनका अनुपात कितना है 14, और 14:9 और 5, इन अनुपात ही पहले को अपन जोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और देख सिक्कों की संख्या कितनी दी है इसमें, 560। अब दोस्तों ध्यान रखने बात है कि जब सिक्कों की संख्या दी है, सिक्कों की संख्या अगर दे दे तो कुछ नहीं करना, ये जो अनुपातिक पहलू है इसको जोड़ करके भाग लगा दो, इसको जोड़ के भाग लगा दो, ठीक है। तो देखिए 14 और 5 19 19 और 1 20 28 28। अब दोस्तों कौन से सिक्का ज्ञात करना है अपनों को, 50 पैसे वाला। तो 50 पैसे वाले का अनुपात कितना है, बीच वाला है ना, यानी कि 9 है, तो 9 का इसे मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना, इतना से ध्यान रखना, बस सिक्कों की संख्या जोड़ लो और भाग लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। तो 28 एकम 28 दूनी 56, 0 आगे और 9 दूनी 18 180, तो 180 सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अब इसमें सिक्के वाले सवाल में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे, तो आगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आइए दोस्त देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन आप सामने, ये रहा, एक बॉक्स में एक रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 960 सिक्के रखे हैं जिनका मूल्य अनुपात, जिनका मूल्य, अब इसने क्या कहा, मूल्य कहा, देखो सिक्के तो वही है, एक रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हैं है ना। अब इनका जो अनुपात है वो क्या है, 2:3:4। अब सिक्के कितने हैं दोस्तों ये भी देख लो, 960 कितने हैं, 960 सिक्के अपने पास हैं, ये तो सिक्के की संख्या है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि मूल्य, क्या कहा इसने, मूल्य दे दिया इसने, मूल्य मतलब ये इनको भी रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनको भी रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ चेंजेस होता है यहाँ पे, जब इसने मूल्य, उसमें केवल आपको सिक्के कहा है, यहाँ पे केवल अनुपात दिया, मूल्य नहीं दिया। ये स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाएंगे तो आप कहोगे कि यार इसमें तो ऐसा किया तो इसमें ऐसा किया, नहीं इसमें केवल सिक्के हैं, इसमें मूल्य दिया। तो देखिए मूल्य दे दे तब क्या होता है, देखिए दोस्तों देखिए, अब एक रुपये वाले सिक्के में किसका गुणा होगा, गुण एक का गुणा होगा, क्योंकि एक रुपये में एक ही सिक्का होता है। अब देखो 50 पैसे वाले सिक्के हैं जिनका अनुपात 3 है, और 50 पैसे में कितने 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनता है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे है ना, और 25 पैसे वाले सिक्के में 4 सिक्के मिलके 1 रुपये बनता है, इसको 1 रुपये बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, रुपये मूल्य बनाएंगे इसका। अब देखते हैं क्या होता है, देखो 2 एकम 2 और 2 3 6 4 4 16, अब इनको ऐड करेंगे अपन, अब इनको ऐड कर लेंगे, देखो तो 16 6 22 23 24 गुणित, ठीक है। अब वही प्रक्रिया, किसका सिक्का ज्ञात करना है, 25 पैसे वाले का, तो 25 पैसे वाले का अपना अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया 16, तो देखिए 24 24 चौक 96 और 0 पर, और ये 16 अनुपात है ये लिखेंगे 16 चौक 64 640 इसका आंसर होगा, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन दूसरा, देखिए
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए एक थैले में अपन मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, अब अगले स्टेप क्या होता है देखो, तीसरी स्टेप है। एक थैले में 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के हैं और 5 पैसे के हैं, जिनका मूल्य, अब फिर मूल्य तो दिया है इसने, देखो 1:2:3 दिया, ये मूल्य तो दिया है, मूल्य भी दिया, पर यह सिक्कों की संख्या नहीं दी आपको, सिक्कों की संख्या नहीं दी। कुल मूल्य 30 रुपये हैं, अब रुपए कह दिया इसने, क्या कह दिया, 30 रुपये कह दिया, अब इसने इसको क्या बना दिया, रुपए बना दिया। तो अब इस सिक्के हैं इनको अपनों को रुपए बनाना पड़ेगा, जब रुपए बनाएंगे तो इसमें भाग लगेगा, ये ध्यान रखना, इसको रुपए बनाने में क्या करेंगे, भाग लगेगा। सिक्कों को बनाना है तो गुणा करेंगे, लेकिन अब मूल्य बनाएंगे जो रुपए हैं तो इसको क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। अब भाग कैसे लगेगा, देखो एक सिक्के एक रुपये में एक ही भाग लगेगा, सॉरी एक रुपया नहीं है भैया, 25 पैसे के सिक्के, सिक्के कौन से, 25 पैसे के, तो 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं दोस्तों, 4 सिक्के होते हैं, एक रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं। इसी तरह 10 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 10 सिक्के होते हैं। 5 पैसे कितने सिक्के होते हैं दोस्तों, 20 सिक्के होते हैं। बस कुछ नहीं करना, इनको जोड़ लेना अपनों को। देखिए दोस्तों जब यहाँ 20 है तो सबको 20 बना दें अपन, है ना, आधार समान कर लें, तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 20 हो जाएगा, तो 2 दुनिया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का, तब जाके 20 होगा, 5 चौक 20, तो 5 का गुणा ऊपर भी कर देंगे, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं, 5 ने 4 9 3 12, तो देखो 1:1 पहलू x 30, अब गुणा वाली संख्या कितनी, भाग में आ जाएगी, और भाग वाली संख्या गुणा में आ जाएगी, है ना, तो इसको जोड़ लेते हैं, भाग में कितना 20 आएगा, ये 20 ऊपर चल जाएगा। 3 से काटे, देखो 3 से यहाँ कितना गया, 10 आ गया, 3 चौके 12, और 4 से काटे, 4 5 20, और 5 2 50, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, 1:1 का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब अपनों को निकालना 5 पैसे 1 सिक्के, तो 5 पैसे 1 सिक्के का अनुपात कितना है, 3 है, इसका मान कितना है, 3 है, तो 5 3 15, इसमें 3 का उल्टा करें तो 5 3 15, यानी कि 150, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे रखें, जिनका मूल्य अनुपात में ये दिया है और इनका मूल्य 180 रुपये है और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो सवाल मैंने आपको यहाँ सिखाया है वैसे वैसे सवाल यहाँ पे भी है, अब आप इसको किस तरह से ड्रिल करेंगे और कितने सेकंडों में आप सोल्व करेंगे, आपको मिलता है 10 सेकंड का समय। देखिए अगर आपको सोल्व करना आता है तो देखिए, समझ गए तो उसमें बताइए आप कैसे करेंगे इसको, है ना, कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो देखिए 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के रखें, जिनका अनुपात 2:3:4 है और मूल्य कितने 180 रुपये है। जब 180 रुपये हैं तो इसको भी रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यह भाग लगेगा, बस ये ध्यान रखना, भाग लगेगा। तो जब 1 रुपये वाले सिक्के हैं तो एक ही भाग लगेगा, 50 पैसे वाले सिक्के में 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनता है, 2 का भाग लगेगा, 25 पैसे में 4 सिक्के मिलके 1 रुपये बनता है, 4 का भाग लगेगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो आप, देखो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 यहाँ लिख दिया, 1 का भाग लगाया 4 4 2 नहीं कितना होगा, 8 होगा, 1 का भाग लगा 2 2 3 कितना होगा, 6 होगा, 4 एकम 4 यानी 4, देखो तो 8 और 6 14 4 18, 18 बटा 4 बराबर 180, और x = 180/18 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चल जाएगा, है ना, गुणा वाली संख्या भाग वाली संख्या ऊपर चल जाएगी, 18 से 10 बार कट जाएगा, 10 चौक 40
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब अपनों को निकालना है 50 पैसे के सिक्के जिनका अनुपात अपने पास है 3। 50 पैसे का अनुपात मान कितना है, 3 है। इसका अनुपात कितना अपने पास, 3 है। तो 40 में 3 का गुणा कर दो तो 3 × 4 = 120। 120 सिक्के, 50 पैसे सिक्के कितने, 120 सिक्के हैं। ठीक है, इस तरीके से बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।